मियां बीबी के बीच में झगड़ा होती है, होता है कि नहीं? आप लोग तो बहुत शुद्ध है, शुद्ध व्यक्ति बोलते हैं, लेकिन मेरे जिंदगी में तो कई बार झगड़ा होता है। हमें लाया प्रभु जी आराधना से पहले आपके वचन के द्वारा, हम कुछ सीखने चाहते हैं तो अपने वचन के द्वारा हमें अगुवाई करें सच्चे दिल से। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मारे गए हैं, जी उठे गए हैं, उसका महिमा स्तुति प्रशंसा हृदय के अंतस्करण से हमें धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हमें वचन प्रदान कर, वचन से सीखा, हृदय को खोल दे। प्रभु जी हमारे कानों को स्पर्श कर, तो खोल दे ताकि तेरे वचन को समझने पाऊं। शैतान की युक्ति अपने पुनर्थान की शक्ति से तू रद्द कर, हमें स्वतंत्रता दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ये छोटी सी दुआ मांगते हैं, परमेश्वर पिता तू सुन अर्पण कर दे। आमीन। ठीक है, समय का पाबंदी है, प्लीज थोड़े टाइम के लिए धीरे से बैठिए। जब से प्रभु को पाया हमने, तब से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हम निरंतर से अपने हृदय के अंतस्करण से प्रभु को धन्यवाद देते आए। तो ये छोटे समय में है, कितना समझ सकते हैं वो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के ओर से एक दो बातें हम देखेंगे यहाँ पे। जिस किसी के हाथ में बाइबल है कृपया मेरे से खोलिए, मार्क लिखिए सुसमाचार प्लीज, चौदह अध्याय ये काफी लंबा है, चौदह के तीन पढ़ दीजिए कोई भी। कोई हिंदी या नेपाली या तो इंग्लिश कोई भी भाषा में, परमेश्वर बस बड़ा में आशीष थे। चौदह की एक भी पढ़ दीजिए प्लीज कृपया। दो दिन के बाद वसा और अपने मंचन पर बोलना था, प्रधान को शास्त्री इस बात को खोज में थे कि उसे कैसे छल से खत्म कर मारा है। और एक यही चीज, ये एक कहानी है और ये एक स्टोरी है, हम परमेश्वर के वचन से फिर भी दोबारा दूसरा गॉस्पेल से हम इसको हम क्लियरिफाई कर सकते हैं। इसको योना लिखित सुसमाचार 12 की एक पढ़ दीजिए, इसको एक और तीन। परमेश्वर वचन बड़ा हमें समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे। एक विषय है यहां पे, आप सुनिए, आप बाइबल बंद कीजिए, आप प्लीज ध्यान दीजिए, ये काफी गहरी वचन है, ये छोटे से समय में इसको मनन करना बहुत गहरी बात है। पासा की परब से 6 दिन पहले की बात है ये, वो यूहन्ना में लिखा गया। सुनिए प्लीज धीरे से, मरकुस पासा की परब के 2 दिन पहले, यानी कि कई लोग समझते हैं ये एक ही इंसिडेंट है और एक ही घटना है, लेकिन बाइबल में ये 2 घटना अलग अलग तरीके से, परमेश्वर की ये 4 पुस्तकें
मत्ती, मार्क, लुका, यूहन्ना सुसमाचार की ये चार पुस्तक में ये उल्लेख किया गया है। ये दो अलग अलग घटना, दो अलग अलग घरों में हुआ ये एक घटना है। जो पहला पासा की परब के दो दिन पहले जो घटना ये घटा, ये किसका घर में हुआ? बाइबल कहते हैं द साइमन द लेपर। लेपर कौन है? लेपर मतलब क्या है? And also press this leprosy, कोढ़ की बीमारी से चंगाए पाए हुए, जिसका नाम था साइमन। समझो प्लीज ध्यान से, उसका घर में प्रभु यीशु मसीह को खाने के लिए दावत हुई। दूसरा एक घटना वो यूहन्ना लिखित सुसमाचार में जो हमने पढ़े, वो घटना थी 6 दिन पहले, पासा के 6 दिन पहले। वो किसके घर में हुआ था? वो लाजरस के घर में हुआ था। इसको समझे पहले, बाइबल जब पढ़ेंगे इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है हमें, तभी हमें समझ में आता है ये सब बात। एक था 6 दिन के पहले और एक था 2 दिन के पहले। एक था साइमन लेपर के घर में, दूसरा था लाजरस का घर में। दो ही जगह में प्रभु यीशु मसीह को एक अत्तर लेके अभिषेक किया। सुनने में लगता है एक ही स्त्री थी वो, हमें लगता है ऐसा, कई लोगों को लगता है वो ही सेम स्त्री है, लेकिन बाइबल क्लियरिफाई करते हैं नहीं है, वो दो अलग अलग स्त्री। लेकिन दोनों का नाम सेम है। क्या नाम है? मरियम। लेकिन बाइबल इसको क्लियरिफाई करते हैं, जो लेप्रोसी साइमन के घर में जब प्रभु यीशु मसीह को दावत दी, वहां पे जो स्त्री थी वो स्त्री का नाम है द मेरी ऑफ मैग्डलीन बोलते हैं उसको। वो कहां का थी वो स्त्री? उसका नाम मेरी थी। बाइबल में कई मेरी पाए जाते हैं यहां पे, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना साफ है वो समझने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए, ये कौन सा मरियम है, इसके लिए बाइबल कहते वो मगदला के मरियम है बोलते हैं। और उसके बाद लाजरस के घर में जो दावत हुई वो क्या हुआ? वहां पे भी जो स्त्री थी उसका नाम भी मरियम है, लेकिन वो मरियम कौन थी? लाजरस की बहन थी वो भी मरियम, ये भी मरियम। और ये घटना कहां पे हुई? वो भी वहां पे बिथानी में हुआ था और ये घटना भी बिथानी हुआ था। लेकिन कैसे पता चलता है हमें? वो दिन का अंतर से पता चलता है हमें, ये 6 दिन से पहले, उसके 2 दिन से पहले। अभी क्लियरिफाई हो गया हम लोगों का? तो अभी क्या बात करता है आराधना? हम सबको चढ़ाते हैं, मुझे ऐसे 30 साल हो गया मैं प्रभु को पाया हुआ, तब से मैं प्रभु को दिल से शुक्रगुजार करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने जो किया मेरे जीवन में, उसे याद करते करते प्रभु को हम धन्यवाद चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या है उसको मैं समझता हूं, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन यहां जो लेप्रोसी है जिसका नाम है साइमन है, उस जमाने में लेप्रोसी अगर किसी को हो गया उसको समाज से अलग कर देते थे, यानी कि एक अलगी का जिंदगी। वो लेप्रोसी होने का कारण में वो अपना परिवार से दूर में रहते थे, अपने लोगों से दूर रहते थे, अपने समाज से दूर रहते थे। वो चाहते हुए भी कोई मंदिर के अंदर जाए वो उसके लिए नामुमकिन था। वो अलग सी, उसका पहना जो हम पहनते हैं वो पहन नहीं सकता था, उसका अलग सा एक ड्रेस होता था जिससे सारा दुनिया को पहचाने, सारे दुनिया को पता चले कि ये लेप्रोसी है, ये जो कोढ़ी के बीमार से ग्रस्त है उसके सामने कोई नहीं जा सकता, चाहे क्यों ना अपना आदमी, अपना खून का रिश्ता, अपना परिवार का खुद का रिश्ता होने से भी उसके सामने जा नहीं सकते थे यहां पे।
यीशु मसीह ने बिथानी में जब विजिट में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते करते जब जाते हैं वहां पे, हम देखते हैं उसका कोर को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई कर दिया। और उसी जमाने में किसी का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था उस टाइम, कोई जो लेप्रोसी है, ये जो कोर को बीमार को चंगाई करने वाला, किसी के पास अधिकार नहीं था। बाइबल कहते हैं सिर्फ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हो आने वाला, सिर्फ उसी के पास में वो अथॉरिटी रहेगा, वो ही सिर्फ चंगा कर सकता है। और वाकई में प्रभु यीशु मसीह साइमन को चंगा कर दिया। और साइमन से सोचता है, मैं कल तक का एक कोड़ी बीमार से ग्रस्त आदमी व्यक्ति था, मैं मेरा परिवार से रहित थे, मैं अपना समाज से भी अलग था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और मैं आज चंगाई हो गया, मैं अपना परिवार के साथ खा सकता हूं, अब मैं अपना परिवार के साथ उठ सकता हूं, अपना रिश्तेदार के साथ आप घुल मिल कर सकता हूं। किसने कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। तो इसके दिल में जागा, मैं अपना ये प्रभु यीशु मसीह को जो मेरे जीवन में किया है ये उपकार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। उस टाइम के जमाने में इस टाइम का जो ऐसा कुछ है नहीं था, तब ये धन्यवाद देने के लिए थे उस जमाने में, एक ही एक रास्ता था, वो क्या है, उनको खाने के लिए घर में दावत देता था। और वो दावत में कितने सारे वैरायटी आप पका सकते हैं, अच्छे अच्छे खाना भोजन, और उसका सेवा करने के लिए मौका, इसको उन लोग इंतजार करते थे। ठीक उसी की तरह ये साइमन लेपर जो प्रभु यीशु मसीह ने उसको किया, इसके लिए उसे दावत किया। उसके बाद एक उन लोग का एक कल्चर होता है, यहां पे बोरो है, खासी है, गारो है, और भिन्न भिन्न भाषा के आदमी है, यहां पे सबका अपना अपना कल्चर होता है। सबसे पहले एक थोड़ा एक कल्चर बोलेंगे। मेरा एक फ्रेंड था, जब स्कूल हम पढ़ते थे, मेरा एक दोस्त था, वो चौधरी था, बंगाली। एक दिन मेरे को खाने में बुलाया, जब मैं घर गया वहां पे, मैं अजीब सा हरकतें देखी वहां पे। वो पंडित, चौधरी पंडित वाले थे, तो जहां पे खाना खाते थे वहां पे अभी बैठने के लिए जैसे कुर्सी है, उस टाइम कुर्सी का जमाना नहीं था, उस टाइम एक शब्द मैं कहूंगा उसको बोलता है जोल चौकी। वो 3 फीट लंबा और राजा वाला बैठने वाला होता है ना, एक छोटा 2 फीट चौड़ा, मानो इतना बड़ा। मेरे को क्या क्या उसने, जब किचन में जहां पे खाना परोसते हैं वहां पे ले जाके देखा, मेरे को गोबर से उसको पूरा झाड़ू उड़ू दे के उसको पूरा इतना साफ करके लीप के रख दिया, जैसे सूख गया वहां पे एक ऐसा बड़ा वाला जल चक्की रख दिया यहां पे। तो मुझे वहां पे बैठने के लिए कहा, मैं बैठ गया, और इतना बड़ा थाली लेके आया बाबा। तो मैं देख रहा हूं, एक एक चीज में गौर कर रहा हूं, हर चीज में अलग ही पन। ये रहा वो बंगाली चौधरी का। और उस टाइम में जैसे नल होता है ना पानी, अपना गांव में, अपना खुद गांव जिसको झारबरी कहता है, यहां पे आसाम में एक प्रांत है, वो वहां पे अपना गांव में जो पानी का कुआं, जो पानी का जहां से हम पानी लेके आते थे, कई दूर से लेके आना पड़ता था। किसी का घर में अभी तक जैसा चापाकोल बोलते हैं आप लोग, नल बोलता है, पीएचई का सप्लाई होता था, वो नहीं होता था उस जमाने में। कई दूर से दीदी बहन लोग पानी लेके आके घर में स्टोर करके रखते थे। कोई भी मेहमान आया घर में, वो पानी निकल के सबसे पैर धोने के लिए से पानी देता था। क्यों? उस जमाने में कोई गाड़ी साइकिल व्हीकल नहीं होता था, हमें सिर्फ अपना पैर से पैदल चल के आना पड़ता था।
अभी तो गाड़ी ऑटो टोमटोम पिलपिल क्या क्या मिलता मिलता है। उस चरण में हम लोग पैदल में जाता था। जब पैदल में चलेंगे अब रास्ता कैसा था? रास्ता सही नहीं था उस जमाना में। उस जमाने पूरा धूल 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 मिट्टी भरी, पैदल चल के आने से कपड़ा गन सब गन हो जाता था। इसके लिए एक कल्चर था, कोई भी कोई मेहमान आएगा उसे पानी देके पैर उर धोने के लिए हाथ धूप धोने के लिए गमछा उमछा देने के लिए ऐसे करके खाना मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं बोलिए? हाँ मेरे को मिला ऐसा, हम भी करते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वहां पे नल है, आपको पता होना चाहिए, नल में जाके बोला हाथ धो के आप बैठ जाइए, है कि नहीं? तो ऐसा था। तो उस जमाने में तो बहुत पुराना जमाना ये, वहां पे भी वैसे ही होता था। तो क्या करते थे यहां पे? साइमन ने प्रभु यीशु मसीह को दावत पे बुलाया, लेकिन एक बहुत बड़ा गलती कर दिया वो अपना कल्चर भूल गया। बहुत हिस्ट्रिकल है ये, समझो ये क्या भूल गया वो, ये दावत करना भूल गया वो, पानी देना प्रभु यीशु मसीह को भूल गया वो प्रभु यीशु मसीह को किसिंग होता है। अरब कल्चर में, मैं वहां पे 2-3 साल था अरब में, हम लोग मसीह मसीह मिलने से हम लोग जय मसीह कहते हैं, बोरो बोरो मिले गजनथंग गजनथंग बोलते हैं दूर से एक दूसरों को, क्या बोलता है अब जापानीज लोग तो दूर से भी मिलेगा, कितना बार करेगा हैरान हो जाओगे आप लोग का गारों में क्या करता है दूर से मिलने से। लेकिन अरब कल्चर या ज्यूस कल्चर में उन लोग किसिंग करता है। किस मतलब क्या है? जो चीज बोलते हैं बादल में भी होली किसिंग, ये किसिंग सचमुच मुख मुख जैसा ओट ओट ये फिल्मी वाली हो गया। वो जो किस मुंह से मुंह करता है उसको बोला बेटा अनहोली किस। लेकिन कल्चर में वो किस के साथ है, ये गाला है ना ये गाला, वो आगे हो गया लड़की या लड़की उससे अपना ये मिलाता है ये वाला ऐसा ऐसा करके दोनों, जैसे हम लोग अंगमन वैसे नहीं, तो उन लोग का भाई ये गाला ऐसे ऐसे मिलाता है उसको बोलता है किस। और वो किसके बारे में बाइबल में लिखा है, किस इच अदर विद द होली किस कहता है। और ये होली किस अरब कंट्री में जाओगे तभी आपको मालूम चलेगा ये किस कैसा था। बोला प्रभु यीशु मसीह किस भी नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह भी ज्यूस कल्चर का एक ही कम्युनिटी का था। और वो जो फेरेसी था उसका नाम क्या है? साइमन। वो सब कुछ भूल गया। उसके बाद खाते टाइम पे एक लड़की आ गई, एक औरत आ गई, उसका नाम क्या है? मेरी आ गई। इसका बहुत स्टोरी है, लेकिन ये मेरी को भी प्रभु यीशु मसीह ने, और डीमन प्रोसेस था उसका लाइफ में, 7 भूत उसको पकड़ के जगड़ के रखा था, कई साल के लिए उसको भूत ने पकड़ के रखा था। आपका बीच में कोई किसी ने देखा भूत किसी को पकड़ता है या भूत किसी को प्रोसेस करता है, तो उसका शरीर उसका रहन सहन उसका बाल उल उसका चेहरा कैसा होता है आप लोग ने देखा कभी? मैंने कई बार देखा, मैं लाइफ में उसका सामने जाने के लिए डर लगता है, अनाप शनाप बकता है, ऐसा गाली बकने लगता है, डर लगता है सबको जाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनको जो मगदला शहर में जाता है वहां पे प्रभु यीशु मसीह या मरियम से एनकाउंटर होता है, मरियम से मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से ये 7 भूत को निकाल देने के बाद उसका जीवन में एक सुधार आता है, एक नया जिंदगी उसे मिलता है। और तब से बाइबल हिस्ट्री कहते हैं तब से वो प्रभु यीशु मसीह का पीछे लगा हुआ है। कब तक? प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में गया, नेक्स्ट 3 दिन के बाद जीवित उठा, उसके बाद भी स्वर्ग में चला गया। तब तक प्रभु यीशु मसीह को पीछे कभी नहीं छोड़ा ये स्त्री ने। लेकिन ये एक समय ढूंढ रहा था, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन से एक नया जिंदगी दी है, मैं 7 भूत से ग्रस्त था,
Maybe अपना परिवार से अलग, अपना समाज से अलग, मुझे कोई पसंद नहीं करता था। वो गांव में सब मुझे क्या करके बुलाते थे? सिनर। बाइबल क्या कहते हैं? They called me sinner, पाप के। आप यहां पे गांव में हैं, आप यहां पे रहते हैं, अगर आप यहां से आप चलते जाएंगे, कोई आपको बोलेगा ये स्मृति इतना गंदा, ये भूत गजरा झगड़ा हुआ है, कितना साल से इसका कपड़ा ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप लोग क्या बोला, ये तो पापी, ये तो गंदा आदमी, कैसा लगेगा आपको दिल में? अबे खराब लगेगा आपको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में, हाँ उस जीवन में एक सुधार आ गया, तब से प्रभु यीशु मसीह का पीछा छोड़ना वो छोड़ा नहीं कभी, लेकिन वो समय ढूंढ रहा था प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए, जो किया उसको जीवन में उसकी बदले में उसको देने के लिए वो समय ढूंढ रहा था, कहां मिलूं प्रभु यीशु मसीह को, मैं उसे अपने दिल से उसे शुक्रगुजार कहना चाहता हूं, मैं उसे, वो समय आ गया। उस समय हम लोग ने देखा जब खाने के टेबल में वो बैठा हुआ था तो चुपके से वो क्या कहते हैं, एल्वेस्टर जार। और एल्वेस्टर जार आपने देखा कभी भी? कभी भी हम लोग तो बाइबल में पढ़ा, ये देखने के लिए अलग इमरट्स में जाना पड़ता है, वो होता है कैसा, वो स्पेशल डिजाइन अ काइंड ऑफ स्टोन बोलता है उसको, वो पत्थरी इसको कर्विंग करके उसको डिजाइन बनाया जाता है। जैसा शादी में चाहिए, अपना लड़की को जब विदा करता है घर में तब उसके लिए सबसे महंगी चीज देती है, अभी का जमाना में आदमी लोग क्या करते हैं, सुन चांदी वो भर भर के अपनी बेटी की विदावारी करते हैं, कि नहीं बोलिए। लेकिन उस समय में क्या करते थे, उसमें अत्तर देते थे, अत्तर उसमें क्या होते थे, अत्तर, और वो अत्तर दुनिया के सबसे महंगी थी, वो दो जगह में यूज होता था, जैसे कि यहूदी कल्चर में दो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बाइबल कहते हैं, नंबर वन वो चे शादी ब्याह, इसलिए बाइबल कहते हैं द मैरिज इज ऑनरेबल टू, ये एक था, वो इतना इंपॉर्टेंट था शादी उस टाइम में, वो शादी में अपना दुल्हा को इसे सेवा करता था। दूसरा मृत्यु में, ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट उन लोगों का जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है उन लोगों का कल्चर में, और उसी चीज के लिए सबसे महंगी चीज उसको दे के अपना लड़की को विदा करते थे हम लोग, और उसको ऐसा सेव करके रखते थे मानो कि हम जैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक में हम लोग गहना वहना खरीद के हम लोग रखते थे, उस जमाना में वो चीज था। तो वो जो लड़की, वो जो स्त्री थी, वो क्या कर दिया, वो इतना सारा महंगा उसको बोलता है तोड़ दिया, बोलता है बाइबल क्या है, वो तोड़ दिया, इसका मतलब टूट, मतलब जरूरत नहीं था तोड़ने के लिए, वो वहां से क्या कर सकता था, वहां से निकल सकता था वो। लेकिन बाइबल इतना, बाइबल की खासियत ही ऐसा ही है, द इंपॉर्टेंस एंड द ब्यूटीफाई एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द बाइबल इज वेरी क्लियर। अब बाइबल कहते हैं क्या जरूरत था बाइबल लिखने में, उसको तोड़ दिया बोल के, देखा किसने है, लेकिन बाइबल इतना सफा है, इतना क्लियर है, कहते हैं उसको तोड़ दिया, जैसे टूटा अंदर का जितना वो गिर गया, और इतना महकने लगा ये रूम, वहां से प्रभु यीशु मसीह को अपना पैर के जितना उसका क्या बोलते हैं, अपना क्या बोलते हैं इसको, बाल से अपना पैर को, प्रभु यीशु मसीह पैर को उसने एनोइंट करना शुरू कर दिया। तब समझिए यहां पे दोनों का जीवन में प्रभु ने काम किया, साइमन को भी बचाया, साइमन को भी नया जिंदगी दिया, मरियम को भी नया जिंदगी दिया,
लेकिन देखो आराधना का डिफरेंस देखो, उसने प्रभु से उसको दावत दिया। दावत मतलब क्या है? आप कब दावत करते हैं? महीना में चार बार दावत करते हैं आप? कभी जिंदगी में कभी कभार दावत करते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में दावत। इनविटेशन बोलने से कब? जब जिंदगी में हम, मेरा घर में बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्टी आ गया तभी हम क्या करते हैं आदमी को इंपॉर्टेंट इनवाइट करते हैं। जैसे शादी हो गया मेरा बहन का, मैंने पूरा चिट्ठी लेके सबको दावत किया, प्लीज मेरे ब्याह में आई दिन। दावत चीज जो है ना जिंदगी में कभी कभार होते हैं, उसका आराधना कभी कभार था। उसने प्रभु से मिला जिंदगी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद, एक मेहरबानी की जिक्र कभी कभार किया करता था। समझ रहे हैं बात? यहां पे जितने सारे में बैठा हुआ है कहीं कहीं तो जिंदगी में कभी भी धन्यवाद देता भी नहीं है, वो भूल भाल के कभी आ गया ये साइमन की तरह कभी कभार प्रभु यीशु मसीह को दावत देने लगा। कभी कभार जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं हम लोग, लेकिन प्रभु आप और मेरे जीवन में ऐसा किया, ऐसा नया जिंदगी, हमें आभारी बन के घूट घूट के पल पल में हर क्षण में प्रभु को क्या करना चाहते हैं हम लोग? आराधना। ये किसने किया? ये स्त्री ने किया। और बाइबल कहते हैं ये स्त्री का आराधना, ये 66 बुक्स है, इसका अंदर में तो कोई एक व्यक्ति ने आराधना किए, वो सी इज द लेडी। और उसका आराधना कहां तक पहुंचा मालूम है आपको? आप और मेरा आराधना सिर्फ इसके अंदर में सीमित है, लेकिन वो जो स्त्री का आराधना कहां पे पहुंचा मालूम है? बोलते दुनिया का छोर छोर में पहुंचा। जब तक प्रभु यीशु मसीह की यह सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, ये जो सुसमाचार सारा दुनिया में फैले जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो स्त्री जो आराधना की है मुझे, ये जो एक्ट किया है वर्शिप का, ये जो आराधना का, ये जो मुझे जो किया है, ये कहां पे सुनाई जाए? क्या लिखा है? दुनिया में जहां जहां सुसमाचार प्रचार किए जाएंगे प्रभु यीशु के बारे में। और नेक्स्ट किसके बारे में किया जाएगा बोलो ना यार, बाइबल में देखो उसका आराधना का ताकत कैसा था उसका। ओ कहां पे लिखा है? दिस इज मत्ती लिखित सुसमाचार 24 में। एक ही आदमी पढ़ दो ना प्लीज, 24 में देखो तो उसका मत्ती लिखित सुसमाचार कहां पे लिखा है? वो 24 की 26 में वाला ना, एक मिनट। ओके 26 का आप लास्ट में देखिए था आप, हमें स्त्री का एक मिनट कहां पे था वो नोट्स बिठा दिया था, वो लेडी का देखो, द लेडी एनोइंटिंग बोल के लिखा है 24 या एक मिनट लो, so wedding seat and this is trust him in एक मिनट 24 माफ कीजिए रहेंगे, किसी को मालूम होगा? हाँ 36 कितना 26 30 लास्ट का पढ़ दीजिए तो, या लास्ट में लिखा हुआ है 29 24 रिटर्न, ये नहीं, ये नहीं, एक मिनट पढ़ दीजिए तो, कितने का है, कितना आप पढ़ दीजिए। हाँ वेरीली आई से अनटू यू, दिस इज इन 26 and 13, प्लीज माइंड इट हियर, वेरीली आई से अनटू यू हूएवर दिस गॉस्पेल, व्हिचएवर दिस गॉस्पेल, उसको हिंदी में पढ़िए तो देखिए तो कैसा लिखा है। हाँ जी, सारे जगत में कौन सा सुसमाचार? सुसमाचार मतलब क्या है वो? ये तो इंग्लिश में यहां पे गॉस्पेल लिखा है, यहां पे दैट्स अ गॉस्पेल मैन, वो तो क्या एंगेलियन से आया हुआ है, उसका मतलब क्या है? गुड न्यूज़,
व्हाट इज द गुड न्यूज, गुड न्यूज क्या है ये सुसमाचार, खुशी का खबर क्या था? प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया, हाँ, प्रभु यीशु मसीह मर गया फिर वो जीवित हो रहा है, दैट वाज द सुसमाचार। और ये सुसमाचार अभी भी प्रचार हो रहा है सारा दुनिया में, लेकिन उसके साथ साथ कौन सा प्रचार किया जाएगा बताओ, पढ़ो। हाँ क्या क्या उसका, हाँ जी, दिस इज द रियल वर्शिप माई फ्रेंड। आप और मेरा वर्शिप का ताकत अहमियत क्या ये चार दीवार के बीच में रहेगा? आपको क्या लगता है सिर्फ संडे में आप वर्शिप करेंगे, यानी कि अपना जिंदगी वर्शिप से भरा हुआ है? ये जो स्त्री थी, जब से प्रभु को पाया, जब प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदगी में काम किया, तब से उसने प्रभु को छोड़ा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया। सारे चेले लोग छोड़ के भाग गए हैं, कई सारे लोग उसको छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन बाइबल एक्सप्लेन द स्टोरी, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जाने तक भी वो वहां पे प्रभु यीशु मसीह देखता रहा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा के कब्रस्थान में लेके गया, तब तक सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की वो कब्रस्थान तक जाने वाला स्त्री यही थी, और सबसे पहले सबसे बिहान प्रभु यीशु मसीह को, जो उसका मृत्यु शरीर को मिलने के लिए जाने वाली स्त्री यही थी। अब प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले उत्थान होने के बाद मिलने वाली स्त्री यही थी। इसका मतलब ऐसा कोई वक्त नहीं रहा प्रभु यीशु मसीह को बगैर, आपने हर जिंदगी की मोड़ में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा नहीं है। आज जितनों ने बपतिस्मा लिए हैं, चार स्त्री लोग, चार यहां पे बहने लोग और एक भाई, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कहीं भी परिस्थिति भी आए, प्रभु यीशु मसीह को जैसे पीछा किया ये, उसको छोड़ना नहीं कभी भी। इसलिए कहते हैं, बाइबल खुद कहते हैं, ये जो कहानी और ये जो इवेंट और ये जो घटना दुनिया के सारे छोर छोर में कहे जाएंगे, यादगार के लिए कहे जाएंगे। हम लोग का आराधना का पावर, हम लोग आराधना का स्तुति का ताकत इतना पावरफुल होता है। क्या आप और मेरा आराधना ये साइमन की तरह है? कभी कभी आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में दावत देंगे? आप कभी कभी जिंदगी में कभी कभार प्रभु को आप धन्यवाद देंगे? ये कभी हो ही नहीं सकता है। आपने तो भूल ही गया, मुझे प्रभु यीशु मसीह आने के साथ साथ मुझे पानी देना था पेड़ धोने के लिए, वो भी नहीं दिया मैंने। जो अपना कल्चर है, जो हम करते आए हैं, हमें उसे तो किसिंग करना था, वो भी करना नहीं किया। हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है हम लोग का आराधना निरंतर होना चाहिए। अपना जिंदगी आराधना का जिंदगी है। और ये स्त्री इसको तोड़ दिया, ये टूटा हुआ मन, और बाइबल कहते हैं वो टूटा हुआ मन से निकला हुआ आराधना प्रभु क्या करते हैं, पसंद करते हैं। वो बहुत पढ़ के हम बंद कर देंगे। कहां पे लिखा है वो भजन संग्रह अकाउंट में पढ़ दीजिए तो, कहां लिखा है वो 16 या समथिंग, भजन संग्रह हम सुनेंगे उसको बंद करेंगे। भजन संग्रह अकाउंट कहां पे होगा, कोई हेल्प करो। यस पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ, टूटा मन, टूटने से ही वो निकलता है, वहां से सुगंधित आत्तर निकलता है। जब तक आप और मेरे जिंदगी नहीं टूटता ना, तभी वो आपको फील नहीं होगा। और मन से आना होना चाहिए। हम मुख से ऐसे बोलते हैं, बकवास करते हैं कभी कभी, लेकिन प्रभु चाहते हैं अपना हृदय से, और तभी निकलता है जब हमारा जिंदगी टूटता है, अपना मन जब टूटता है तभी अपना मन से। मियां बीवी के बीच में झगड़ा होती है, होता है कि नहीं? आप लोग तो बहुत शुद्ध है, शुद्ध व्यक्ति बोलते हैं,
लेकिन मेरे जिंदगी में तो कई बार झगड़ा होता है, से भी झगड़ा होता है, कभी डिस्कस, कभी अच्छा में भी होता है, बुरा में भी होता है, लेकिन आप लोग तो बहुत धन्य क्या है, आप लोग के पास नहीं होता है। तो जब भी झगड़ा होता है अपना आपस में जो बोली होता है ना उसका टोन चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं बताइए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कोई एक ऐसा आपके घर में एक विपत्ति आ गया, बहुत ऐसे परिस्थिति आ गया, तभी आपका मन टूट जाता है। तब देखो आपस में कैसा बात विवाद करते हैं हम लोग कैसे बात करते हैं, मन से आंसू निकल जाता है। ऐसा बात है, हम लोग का जिंदगी टूटना मतलब क्या है, जब भी वो टूट गया सबसे नीचे गिर गया, झुक के पैर ने छूने लगा, पैर ने छूना तो दूर की बात है, आओ अपना बालों से उसका साफ करना शुरू किया। ये बहुत इज्जत वाली बात है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो किया ना, आपका इज्जत से भी बहुत बड़ी है। ये समय, ये वक्त बहुत कीमती है। आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया उसको समझो, एक ही करके समझो। आप प्रभु को कभी भी मत छोड़ो, हर वक्त प्रभु यीशु मसीह को दिल से, दिल के गहराई से प्रभु को धन्यवाद दो, ना कि यो साइमन की तरह। कभी कभार प्रभु को जीवन में दावत देते हम, ये गलती कभी भी मत करना। प्रभु हमें सिखाए, प्रभु हमें दिन ब दिन उसके नजीक में लेके जाए, और प्रभु हमारे जीवन से वह महिमा मिले, प्रभु इस वचन में आशीष दे।